हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो रात्रि में मैं यहाँ पे बिसेर के अंदर मैया के बिल्कुल पास ही में इस मंदिर में रुका था और बेहद ही खूबसूरत स्थान ये। सुबह के 8:45 हुए हैं और अब मैं यहाँ से अपनी परिक्रमा में आज 96वें दिन में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। रात्रि में मौसम में काफ़ी ठंडक बनी हुई थी और तापमान में काफ़ी परिवर्तन फिर से हो गया। ऐसा लग रहा है कि सर्द ऋतु फिर से लौट आई है। वैसे भी कहते हैं कि जब तक होली नहीं हो जाती तब तक सर्द ऋतु बरकरार रहती है। देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्थान था ये और आप देख सकते हैं कि पास ही में बहुत खूबसूरत बगीचा भी बना रखा है। मंदिर अभी निर्माण की प्रगति में है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन रात में यहाँ पे काफ़ी शांति थी। यहाँ पे 2 दिन से 3 दिन से 5 परिक्रमावासी 13 परिक्रमावासी इस तरह से आ रहे थे, लेकिन कल रात्रि में फिर से मैं अकेला परिक्रमावासी यहाँ पे आनंद में। यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमने मंदिर के दर्शन और मैया के दर्शन फिर से कर लिए जाए और फिर यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस तरफ से आए हैं और ये यहाँ का गांव, और अब यू टर्न लेते हुए हम लोग संखेड़ा मोतीसर की तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो सुबह में यहाँ चाय का और बिस्किट का बाल भोग लेके हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। बिसेर गांव से नर्मदे हर। अब हम बिसेर गांव की सीमा से बाहर निकलते हुए और आगे हम संखेड़ा की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर महाराज, क्या बन रहा है महाराज? ये वेयर हाउस बन रहा है ना? हाँ, मैं वही देखा पीछे भी, कैसा डिजाइन था। हाँ, उस तरफ में भी था एक। देखिए आज परिक्रमा मार्ग में हमको सांप मिल ही गया, लेकिन कुचला गया। इस तरह का ये सांप था। देखिए इसे किसी ने मारा है, क्योंकि इसका सिर्फ मुंह के ऊपर ही गहरा घाव करके इसको मारा गया है। देखिए अभी हमने पीछे सांप देखा और सांप देखते ही आप भी घबरा गए होंगे और कुछ लोग भी घबराए होंगे जिन्होंने उस सांप को इस तरह से मार डाला। सांपों को लेके इंसान देखते ही बड़ा ही भयभीत हो जाता है और उसकी घबराहट के कारण वो सांप पे पहले ही हमला कर देता है। देखिए पूरे विश्व के अंदर 2000 प्रजातियां हैं सांपों की, जिसके अंदर से 272 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और उनमें से भी सिर्फ 58 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं। तो हमें सभी सांपों को इस तरह से मारने की ज़रूरत नहीं है। जो दी बिग फोर के नाम से जानी जाती हैं, वो 4 सांप की प्रजातियाँ जो सबसे खतरनाक होती हैं, उसमें सबसे पहले आता है एंडिंग कोबरा, दूसरे नंबर पे आता है कॉमन कैरेट, तीसरे पे आता है सरल स्वाइपर और चौथे पे आता है सॉस कॉल्ड वाइपर। तो सिर्फ ये 4 प्रजातियाँ मुख्य रूप से हैं ऐसी जो कि जान ले लेती हैं मनुष्य की, और बाकी की 54 प्रजातियाँ जो हैं वो जहरीली होती हैं लेकिन तुरंत प्रभाव से वो जान नहीं लेती। और बाकी की जो प्रजातियाँ बच गई 272 में से, आप 58 निकाल दीजिए, तो वो प्रजातियाँ जो हैं वो इंसानों के फ़ायदे के लिए होती हैं, क्योंकि ये सभी सांप आपको खेतों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और खेतों के अंदर ये सांप चूहों को खाते रहते हैं और चूहों को खाने से चूहे की कमी हो जाती है और चूहे आपके खेतों को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो आप सांपों को मार के आखिरकार अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते, ये अवेयरनेस हमें पहुंचानी होगी गांव-गांव तक और हम इस तरह से ही परिक्रमा मार्ग में आनंद लें।
नर्मदे हर आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी अच्छी जानकारी होंगी मैं आपके साथ में ही साझा करते रहूँगा। देखिए फिर से एक और छोटी सी नदी आ गई और बहुत ही सुंदर दृश्य सामने की ओर। देखिए छोटी सी नदी जो बीच में एक टापू को बना रही है, बहुत ही हरा भरा ये टापू या आइलैंड बोल दिए इसको, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है यहाँ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, यहाँ से हम नर्मदे हर में यहाँ किधर रहेंगे महाराज, इधर जाएंगे, इधर पैदल ही है नर्मदे हर। तो संकेड़ा ग्राम से हम गुजरते हुए नर्मदे हर गांव से निकलते हुए बाहर की तरफ में ये यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधालय की आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चैन सिंह जी मौर्य जी यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में मुझे मिलने आए हैं। ये मेरे पापा जो रामकृष्ण मिशन में महाराज जी को जानते हैं, उन राजेंद्र महाराज के खास मित्र हैं और उनके साथ ही पढ़े हैं बचपन से ही, और साथ में मैया भी आई हैं और महाराज बिल्कुल हमारा भोजन घर से बना के लिए लेके आए हैं महाराज, धन्यवाद। नर्मदे हर, हम थोड़ी देर महाराज के साथ बैठते हैं और यहाँ पे इस पीपल के वृक्ष के नीचे इस भोजन का मान अन्नपूर्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं और आनंद लेते हैं। नर्मदे हर। देखिए मैया बिल्कुल खीर, आलू की सब्जी, आलू पूरी, बहुत ही स्वादिष्ट मानपूर्णा का भोजन बना के लाए हैं। अभी तक हमने परिक्रमा मार्ग में, आश्रम में, मंदिर में और घरों में भी जाके भोजन लिया, लेकिन आज पहली बार महाराज और मैया हमारे लिए भोजन बना के यहाँ पे इतना दूर लेके आए और ऐसे आनंद में सब लोग मिल के भोजन प्रसाद लेंगे 50 किलोमीटर दूरी से। नर्मदे हर। आप देखेंगे कि परिक्रमा के अंदर न कि सिर्फ परिक्रमा वासियों की सेवा करी जाती है बल्कि पहले सामग्री लाई जाती है और उनसे ईश्वर का सम्मान कराया जाता है, पूजा करवाई जाती है और फिर उसके बाद में परिक्रमा वासियों का भी सम्मान करा जाता है, उन्हें भी पूजा जाता है और इतने प्रेम से भोजन भी करवाया जाता है। दोपहर के 1:24 और मैं वामनवाड़ा के इस ग्राम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए चैन सिंह जी मौर्य जी यहाँ पर आए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ में और काफ़ी अच्छा वक्त उनके साथ में बीता। मैया का ये प्यार भरा भोजन प्रसादी और उनसे वार्तालाप हुई। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए गौ सेवा करते हुए नर्मदे हर। बड़े ही साधारण और प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं चरण सिंह जी महाराज। हम इनके आश्रम में जब दक्षिण तट पे होंगे और अमरकंटक से वापस आ रहे होंगे तो यहाँ से सामने की तरफ में उनके आश्रम पे होते हुए आएंगे, तब मैं आपको इनका आश्रम भी दिखाऊंगा और आपको इनके प्रकृति प्रेम के दर्शन भी कराऊंगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए हम लोग परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं।
आज हमारे पास में चरण सिंह जी द्वारा दी गई भेंट में माला भी है, तो गेंदे की खुशबू भी हम बीच बीच में इस तरह से और बीच बीच में कुछ इस तरह से लेते हुए परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। आज मिल गए आप फिर से, आपने आइसक्रीम खिलाई थी। अरे नहीं महाराज, बस काफी है। अच्छा वो भाग रहे हो। नर्मदे हर। देखिए महाराज आज फिर मिले मुझे कुल्फी के साथ में, और कुल्फी से ज्यादा खुशी ये है कि महाराज ने कल ही से गुटखा खाना बंद कर दिया जी महाराज। बहुत खुशी कर दिया भाई। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई इसी बात से। एक बार ये पकड़िए, अब आपका स्वागत करना चाहेंगे फूलमाला से। और इस खुशी के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा बिल्कुल सम्मान के साथ में। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। नर्मदे हर। मोतलसर गांव है ना ये जी। मोतलसर गांव से हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए इनके पास में गोटियाँ नहीं है तो सिक्कों से इस तरह का ये गेम खेल रहे हैं। ये कंचे होते हैं, कंचे खेले जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कुछ तो बताओ, गाना गा के सुनाओ, डांस करके बताओ क्या। जंगन मन ऐसे नहीं करते हैं, वो तो सीधा होके खड़े होके सब आगे। सावधान नहीं होना अभी, अभी वो उसका टाइम होता है। अभी अभी मैं चलता हूँ परिक्रमा में। नर्मदे कर दो। नर्मदे प्यारे बच्चे हैं, चलो परिक्रमा में यूँ ही आनंद में बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत स्थान है। हम किवाली गांव से आगे की तरफ बढ़ते हुए तो देखिए यहाँ पे महाराज झूला झूलते हुए और हमें यहाँ माही के लिए आमंत्रित किया। तो देखिए मैं यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से उन्होंने गुड़िया को बेच के आवाज लगवाई। गुड़िया कहाँ गई? और फिर यहाँ पे माही, मुझे माही पिलाई जा रही है लस्सी। इतना बड़ा ग्लास, एकदम गर्मी में बिल्कुल आनंद करने वाला। नर्मदे हर मैया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। देखा मेरे फोटो पे मूछों पे भी आ गई है। बढ़िया। और महाराज यहाँ पे अभी भी झूले का आनंद लेते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज चलते हैं आगे। नर्मदे हर। दोपहर के 3 बजे हम लोग यहाँ से छाछ लस्सी पी के मैया मैया पी के अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। यहाँ से अब हम खेतों में चलना शुरू करेंगे। ये देखिए शहतूत का पेड़ और इस पे छोटे छोटे शहतूत लगे हुए हैं। ये भी कच्चे हैं, ये अगर लाल होते तो मज़ा आ जाता है। है, है, है। मिल गया। ये देखिए बड़ा खट्टा मीठा स्वाद होता है, उधर पक जाते तो एकदम मीठा। गाँव में से निकलते हुए मेरी नज़र ऊपर
इस बिजली के खंभों के ऊपर पड़ी और ये जो तार थे यहाँ पे इतने सारे तार मुझे देखने को मिले। यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में इस गांव में से अब सीधे हाथ को पड़ेंगे। इस मार्ग से हम आए और अब ये मंदिर के सामने से हम गुजरते हुए आगे इस मार्ग में बढ़ना है। देखिए 3:45 हुए हैं और अभी तक मैं 13.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुका हूँ आज के दिन में। और सामने अब देखिए फिर से एक बहुत खूबसूरत नदी और सामने बिल्कुल हरे भरे ये गेहूँ के खेत। इस तरफ में नदी के सेमली गांव है और नदी के उस तरफ आपको बगलवाड़ा गांव दिखाई देगा। और ये देखिए नदी जो है मैया के पास जाके बिल्कुल मिल रही है। सोच ही रहते कि सुबह से जब से परिक्रमा में चले हैं दोबारा मैया के दर्शन नहीं हुए और देखिए मैया ने फिर हमें दर्शन दे दिए। पहले चल के इस नदी को प्रणाम करते हैं, फिर इसे पार करते हैं और फिर हमारा संदेश मैया तक भेजते हैं। धर्मदेह हर। पानी साफ नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो हम अभी इसमें नहा रहे होते। मैया को प्रणाम यहाँ से और अब हम यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मैया बिल्कुल पास ही में है, यहाँ पे बैठते हैं और यहीं से मैया के दर्शन करते हैं। कौन सा ये वाला मार्ग रहेगा? ये वाला कहीं के भी चले जाओ चाहे भाई आंखें जान के एक कहीं दो दोनों जाके एक ही है। वो तो पूछे लग छेड़े पे हाँ यहाँ तो मैं जाने हैं सत्रावन के जाओ। ये सामने कौन सा सत्रावन कितना दूर है? दो रोड है हाँ जय बगल को गाँव नीचे की तरफ। अच्छा सत्रावन गाँव वो जो शहीद हो गाँव। अच्छा वो गाँव भेराड़ी वहाँ में जाम 3-4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर है सामने चक्कर है जाम चक्कर है। अच्छा ऐसे खड़े ऐसे घूम के जाए शाम आने पास ठीक है। हाँ वो जो भेराड़ी जाए रास्ता जो सीधी मांगरोड ठीक है महाराज। अब जहाँ से तुम्हारी इच्छा हो समझ में आए ठीक है बहुत अच्छे नर्मदे हर हाँ। यहाँ से मैया के दर्शन करते वक्त एक अलग ही मैया का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। पहले नीला गहरा आकाश का रंग और मैया का रंग एक जैसा और उसके बीच में आपको ये रेत और साथ ही में ये हरा भरा जंगल। घाट के पास में ये एक छोटा सा शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा और फिर से मैं इसी दृश्य को निहारने लगा। जैसे कि चार चीज़ें 3 परतों में समाई हूँ। वंखेड़े गांव में बिल्कुल मैया के पास में ही ये एक मंदिर है और यहाँ पे पहले हमने प्रवेश करके शिव जी के दर्शन करे और पास ही में यज्ञ स्थान देखा। पास में ये छोटी सी कुटिया जहाँ पे महाराज बैठे हुए हैं और सेवा दे रहे हैं, यह माँ नर्मदा का मंदिर और आश्रम। शाम के 3:30 और अब हम भगवाड़ा से भिलड़िया की और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो चलिए आपको ये ग्राम के दृश्य भी कराता हूँ और भगवाड़ा से हम आनंद में परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में मुझे महाराज मिले और मैं इनकी तिलक की तारीफ कर रहा था तभी मेरी नज़र इस रुद्राक्ष पे गई। ये है 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी ना? हाँ 8 मुखी। वाह 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 महाराज बहुत बढ़िया। महाराज कहाँ से हैं? मद्रास। मद्रास से? और यहाँ पे परिक्रमा में यहाँ मंदिर काम कर रहा है। मंदिर का काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया महाराज। नर्मदे हर। क्या टोपी लगा के ऐसा लग रहा हूँ बाबूजी? बोले परिक्रमावासी नहीं लग रहा ऐसा। परिक्रमावासी नहीं लग रहा है। हाँ हाँ
तो क्या करो, टोपी उतार दूं? नहीं तुम तो लगा रहा हो सब तपने। हाँ बढ़िया, तप जाएगा। हाँ तप जाएगा, नहीं तो है ना सर। देखिए मैं परिक्रमा मार्ग में यहाँ से बढ़ रहा था, महाराज ने बोला कि सुबह से महाराज ने परिक्रमा वासी को देख रहे थे पर कोई मिला नहीं, तो महाराज आप चाय जरूर पी के जाइए। अरे बड़े अच्छे, बहुत अच्छे, हमरे बोला सब जान से तू बेटा। हाँ तो फिर हम आ गए मैया, मैं बोला इतने प्रेम से बुला रहे हैं। हाँ, प्रेम से बहुत बुला, पीछे ही चाय पी थी पर मैया इतने प्रेम से बोला तो फिर मना नहीं हुआ। प्रेम से लाज है। हाँ बहुत प्रेम, दो मिल जाए, पाँच मिल जाए, बढ़िया। अब हमारा जी लात ब्राह्मण देता है, अब तो वो लात दूध माना हमारा भाव है कि कोई एक मग का चाय पी जाए हमारी। हम घर सिद्धांत है, एक को नहीं, बहु कौन, मोड़ा कौन, मोड़ा मोड़ा सब। बढ़िया 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 मैया, नर्मदे हर मैया, चलते हैं नर्मदे हर। देखिए यहाँ से दो मार्ग हैं परिक्रमा में और हम ये ऊपर वाला मार्ग ले रहे हैं। नीचे से अगर आप जाएंगे तो मुनवार होते हुए जाएंगे, यहाँ पे आपको हर एक दो किलोमीटर पे आश्रम मिलेंगे। ऊपर की तरफ भी आपको ग्राम में मंदिर मिलेंगे और ग्रामवासी आपको सेवा देते हुए मिल जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। शाम के 5:40 हो गए हैं और अभी तक हम 18 किलोमीटर की परिक्रमा में चल चुके हैं, तो तकरीबन हम आज के भी 20 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर लेंगे। आगे अभी कुछ ही दूरी पे एक गांव है जहां पहुंचेंगे और फिर देखते हैं वहां पे क्या परिस्थिति बनती है। फिलहाल तो सूर्यास्त में भी थोड़ा वक्त बाकी है। देखिए यहाँ से परिक्रमा मार्ग में मैं जा रहा था तो महाराज ने रोक लिया और यहाँ पे पास में मंदिर बताया, यहाँ पे पास में ही है, मैं वही दिखा रहा है सामने ही है। तो आगे जाऊँगा तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ 8 किलोमीटर ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो महाराज बोल रहे हैं यहीं पे रुकिए मंदिर में और सब व्यवस्था हो जाएगी। हाँ सब व्यवस्था होगी, सामने दिखा रहे मर जाएगी। ठीक है महाराज, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करना, वक्त नहीं रहेगा इतना। सामने आप यहाँ से मंदिर देख पा रहे हैं, बस आज का पड़ाव हमारा वहीं पे रहेगा। मदे हर। तो आज रात्रि में यहीं पे विश्राम करेंगे। आ गया, तो देखिए मैं भी सीढ़ियों से ऊपर यहाँ पे आ गया हूँ। शाम के 6:07 और तकरीबन 20 किलोमीटर में 400 मीटर से कम मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, और मंदिर के ऊपर चढ़ के मतलब इस तरफ में थोड़ा सा यहाँ पे सेवा देते हैं। ईंटों को पानी डालना है तो हम ये पानी भी डाल देते हैं और यहाँ से सूर्यास्त का ये दृश्य भी देखते हैं और साथ में आज की परिक्रमा को यहाँ पे अंत भी करेंगे। 2 मिनट सिर्फ, 2 मिनट। तो हम पहुँच चुके हैं भिलड़िया गांव में और यहाँ पे आज ऐसे पाइप उठा के इन दीवारों पे पानी दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पौधों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं उनको इस तरह से रोज शाम में और सुबह में निलाया करता था और आज इन दीवारों को निला रहा हूँ, लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें भी। और सामने जल्दी सूर्यास्त होने वाला है तो पहले मैं ये कार्य कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 5G नेटवर्क आता है तो आप लोगों के लिए वीडियो तुरंत अपलोड करने के लिए प्रोसेस में लगा देता हूँ। तब तक मैं अपना काम करूँ और आप लोग थोड़ा सा विश्राम करिए। नर्मदे हर।
रात्रि में मैं छत के ऊपर वीडियो को अपलोड करते हुए नेटवर्क ढूंढने के बाद में और डे 92 का वीडियो जो रात्रि में 10 बजे तक आने वाला था वो इस वक्त मैं अपलोड कर रहा था और ऊपर आकाश में ये तारे देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत रात्रि का ये दृश्य। बने रहिए यूं ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में, आनंद में। नर्मदे हर।